ठीक है ओके। एसपीएल मिडकैप स्टॉक्स में हमारे दो खास मेहमान है हमारे साथ तैयार, राजेश पालिया साहब और साथ ही विकास सेठी साहब, आप दोनों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। विकास जी और राजेश जी गुड मॉर्निंग आप दोनों को। राजेश जी करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी जो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी वो रहेगी एनआरबी बियरिंग। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो पिछले करीब 3-4 महीनों से एक रेंज में कंसोलिडेशन था और उसका ब्रेकआउट वीकली डेली चार्ट पे देखने को मिला। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक करेक्टिव मूव जो हमने पिछले कुछ महीनों में देखा था उसका एक बेस फॉर्मेशन होकर अब स्टॉक एक रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक का वीकली सेटअप है हमें लगता है ये स्टॉक में 160-170 तक के टारगेट इसमें लॉन्ग टर्म में आते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से कोई भी करेक्टिव एक्शन आती है 120-121 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो 120-115 ये रेंज में बाय करें, 108 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और 160-170 तक के टारगेट हमें लगता है ये स्टॉक में एनआरबी बियरिंग में देखने को मिलना चाहिए। 160-170 तक के टारगेट एनआरबी बेरिंग में आ सकते हैं, यहां पर करनी है आपको खरीदारी। 120 के आसपास है स्टॉक इस वक्त। सर हिसाब से भी लेंगे उनकी लॉन्ग टर्म पिक, लेकिन उससे पहले एक बार 10 की कमाई जय से ले लेते हैं। जय बताइए आपका स्टॉक आज के लिए। जी अनिल जी, अनिल जी 10 की कमाई में मुझे जो आज अच्छा स्टॉक लग रहा है वो है वीगार। वीगार करीब 233 के आसपास अनिल जी अभी ट्रेड कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका एक शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्म हो चुका है 50 डेमा पर ये स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है और इसका क्लियरली एक वेव फोर कंसोलिडेशन खत्म हुआ है अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर में लगभग हमें 255 से लेके 265 तक के लेवल्स दिखा सकता है। क्लियरली ये स्टॉक काफी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और मेरा एसपीएल में मैंने एक बार ये स्टॉक दिया भी था फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें देखने मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें लगभग 255 से लेके 265 तक के लेवल्स हमें वीगार में देखने मिलेंगे और यहां पे स्टॉप लॉस नीचे में रहेगा वो है 218 का। है आपके लिए वीगार 10 की कमाई में आपके लिए जय की तरफ से एक बेहतरीन पिक। आइए अगली बेहतरीन पिक आ रही है सेठी साहब की तरफ से और वो है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म। सेठी साहब आज आपका टाइम चल रहा है, देखिए कौन सा वो एक तो कौन सा वेंचर सीएससी वेंचर मतलब आरपीएसजी वो भागे जा रहा है, फिर वो आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कमाल ही कर रहा है आपके स्टॉक सेठी साहब। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये सीएससी वेंचर्स जो कि मैं जब इसका नाम सीएससी वेंचर्स होता था तो अभी मैं अपनी लिस्ट देख रहा था, जैसे जिस जिस दिन रिकमेंड करते हैं तो वो लिस्ट बना के रखते हैं, तो इसको मैंने पिछले 6 महीने में एज सीएससी वेंचर्स 3-4 बार रिकमेंड करा है और ओरिजिनली तो 200 के लेवल्स पे रिकमेंड करा था जो कि आज 380 के लेवल्स हो गए हैं। और उसके बाद जब से इसका नाम कन्वर्ट हुआ आरपीएसजी वेंचर्स तो उसके बाद भी लास्ट मैंने इसको फरवरी के महीने में 310 रुपए के लेवल पर रिकमेंड करा था, तो जो आज 380 हो गया है तो धमाल करता हुआ ये स्टॉक है। और बाकी अभी थोड़ी देर पहले संदीप भी इसके बारे में बात कर रहा था और इस स्टॉक का जब मैंने डिटेल्स बताया था तब कहा भी था कि चूंकि एफएसएल में इसकी 54% हिस्सेदारी है जिसकी मार्केट वैल्यू होती है करीबन 4,500-5,000 करोड़ और ये स्टॉक सिर्फ 850-900 करोड़ के वैल्यूएशन पे मार्केट कैप पे ट्रेड करता है, तो 80% का होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है जो कि भाई बहुत ही अंडर वैल्यूड है। प्लस इसके अलग भी बिजनेसेस हैं और आप मुझे याद भी करते हैं क्वेस्ट मॉल घूमने गया था जो हमने मस्ती की पाठशाला करी थी, तो उस समय इस साल का स्टॉक जब आपने पूछा था एक स्टॉक जिससे प्यार करना है उस दिन भी मैंने इसी स्टॉक से प्यार अपना जताया था, तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक और अच्छा कर रहा है, निवेशकों के पैसे बन रहे हैं उससे बहुत खुशी हो रही है। अब आप बोल रहे हो तो आपने यही बोला होगा, मुझे तो याद नहीं आपने कौन से स्टॉक से कितना कब प्यार जताया, लेकिन आप बोल रहे तो मैं मान लेता हूँ। मुझे याद नहीं, देखो प्यार भी उनका है स्टॉक भी उनका, वो जाने अच्छा वो जिसमें आप किसी के साथ क्वेस्ट मॉल में गए थे 2M खाया था उसकी बात कर रहे हैं। देखो हाँ बोल दिया, कन्फेस भी कर लिया उन्होंने, हाँ गया था किसी के साथ, बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत ही बेहतरीन पिक सेठी साहब आपकी तरफ से, शानदार कमाल करती है। आइए बताइए अब आज का एसपीएल में लॉन्ग टर्म पिक। अरे जी आज का मेरा जो लॉन्ग टर्म पिक है ये भी स्टॉक कई बार रिकमेंड किया हुआ, हालांकि इसने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, बट इस तरह के बाजार में जब इतने एलिवेटेड लेवल्स पे है सेफ स्टॉक है,
कंपनी का नाम है वीएससी इंडस्ट्रीज वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी। ये भी एक हैदराबाद बेस्ड टोबैको कंपनी है, चारमीनार ब्रांड है, ब्रांड बहुत ही पॉपुलर है। वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स के लिहाज से स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है, 3400 के आसपास के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। आप प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो करीबन 17-18 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है करीबन 33% के, रिटर्न ऑन इक्विटी है 38% का, एक जीरो डेट कंपनी है, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है अराउंड 29%। तो सब कुछ है एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी होने का, और मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और 9 से 12 महीने का इसको वक्त देना चाहिए। मेरा इसमें साल भर में 4500 रुपए का टारगेट है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो वीएसटी इंडस्ट्रीज ये पसंद है सिटी साहब को। जैन साहब ने भी पहले यहाँ पर आपके लिए रिकमेंडेशन दी है और देखिए स्टॉक भी अब स्पाइक करते हुए दिख रहा है सिटी साहब के कॉल के बाद। नजर रखें वीएसटी 4500 के टारगेट्स के लिए। जैन साहब, वीएसटी तो आपने भी पहले रिकमेंड किया है, पर बताएं सर आज 10 की कमाई के लिए कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल बिल्कुल, वन ऑफ माय फेवरेट्स है वीएसटी इंडस्ट्रीज, और बेहतरीन फंडामेंटल सस्ते वैल्यूएशंस पे। बस चूंकि आईटीसी जैसे नहीं चल रहा, वैसे वीएसटी भी थोड़ा सा धीरे धीरे मूव करता है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। चारमीनार जैसे ब्रांड है, सो आई गो विद सेठी साहब। सो अब जो मेरा, एंड आई एम वेरी सॉरी मैं डिलेड हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन में वो रह गया, क्योंकि जो स्टॉक ढूंढा था वो मैंने अक्षर कैम ढूंढा था, ऑलरेडी 3-4% चल गया था ऐसे मार्केट में भी, तो मैंने देखा कि अब स्टॉक वैसा दिया जाए जहां पे डाउनसाइड रिस्क इंट्राडे में भी कम हो, तो मैंने ढूंढा टीएन पेट्रो, एक बेहतरीन कंपनी। टीएन पेट्रो ने जिस तरीके के फंडामेंटल्स टीएन पेट्रो देती है, ये लैब बनाने, लीनियर एल्कलाइन एल्काइल बेंजीन और ये सब बनाने वाली, केमिकल्स बनाने वाली एक साउथ बेस्ड अच्छी कंपनी है और बढ़िया फंडामेंटल्स, पुरानी कंपनी, सिर्फ 6-6.5 के पी मल्टीपल पे, बुक वैल्यू जिसका 56 रुपया है, तो बुक वैल्यू से नीचे तो मार्केट प्राइस चल रही है। डिविडेंड यील्ड करीब 3% के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18-20% के लगभग है, पिछले 5 साल के सेल्स की कैगर 28-29% के लगभग है, 9% करीब डीआईआई एफआईआई होल्ड करते हैं, और पिछले 3 साल में अगर देखें तो स्टॉक ने विशेष कोई परफॉर्म नहीं किया, पिछले 1 साल में जरूर किया बट पिछले 3 साल को कंपेयर किया, और वहां से फंडामेंटल्स में जबरदस्त मजबूती आई है, तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक को आराम से लेना चाहिए लेवल्स पे 60 रुपए के टारगेट पे। ओके, 60 रुपए के टारगेट टीएन पेट्रो एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, जल्दी लौटेंगे। दस की कमाई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ है दस की कमाई के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स देने के लिए, और साथ ही एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आपको मिल रहेगा कुछ बेहतरीन पोजिशनल पिक्स। तैयार है राजेश पालिया साहब बताने के लिए अपना स्टॉक। राजेश जी बताएं सर। सो अनिल जी, पोजिशनल पिक जो रहेगी वो रहेगी ओबेरॉय रियल्टी। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक का जिस तरीके से पिछले अगर हम 4-5 महीने का सेटअप देखें तो स्टॉक में कंटिन्यूस हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। वीकली डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में फॉर्मेशन है वो ये दिखाता है कि स्टॉक यहाँ से एक बड़ी तेजी दिखाएगा। पोजिशनल बेसिस पे इसको अगर बाय एंड एक्युमुलेट करें, 548 का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे। हमें लगता है यहाँ से 650-660 तक के टारगेट ये स्टॉक में आते हुए दिखना चाहिए। जिस तरीके से वीकली चार्ट का सेटअप है, ये स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। जैसे ही ये 600 रुपए का लेवल एक बार क्रॉस करेगा तो इसमें एक काफी अच्छा अपसाइड यहाँ से देखने को मिलेगा, तो ओबेरॉय रियल्टी यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल बेसिस पे। ओके, ओबेरॉय रियल्टी ये है वो स्टॉक जहां पर पोजिशनली खरीदारी करें 548 के स्टॉप लॉस के साथ, 650-660 की तैयारी इस स्टॉक की आपके लिए होती हुई दिख रही है। आइए सेठी साहब से भी ले लें उनकी पोजिशनल पिक। सेठी साहब, वीएसटी इंडस्ट्रीज तो आपका हो गया लॉन्ग टर्म, अब बताइए शॉर्ट टर्म कौन सा, सॉरी पोजिशनल कौन सा है सर? अनिल जी, जो आज का मेरा शॉर्ट टर्म पिक है, इस स्टॉक को भी पहले भी कवर किया हुआ है, एक पेपर स्टॉक है, कंपनी का नाम है जेके पेपर। अनिल जी देखिए, दमदार तेजी चल रही है पेपर के प्राइजेस में, ऐसे सुनने में आ रहा है या पिछले कुछ वीक से हम चर्चा भी कर रहे हैं कि चाइना में पेपर के प्राइजेस काफी बढ़ाए गए हैं, तो उसका फायदा पूरे सेक्टर को हो रहा है। वहां से मैंने जेके पेपर को पिक किया जो कि एक सेक्टर लीडर है।
ये स्टॉक करेंटली 155 के आसपास ट्रेड करता है, मुझे लगता है पोजिशनली इसमें 170 175 तक के लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना है 145 रुपए का। और भारत में भी अपने कारण है पेपर स्टॉक्स में तेजी होने के, जैसे सरकार का पूरा फोकस है जो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन करने का, फिर पैकेजिंग में काफी मात्रा में यूज हो रहा है, तो ये सबको देखते हुए प्लस दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 20% का है, डेट भी मैनेजेबल लेवल्स पे है अराउंड 0.66 का, इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है विद अ टारगेट ऑफ 175 पोजिशनली और स्टॉप लॉस रखना 145। ओके, तो 175 का टारगेट, 145 का स्टॉप लॉस, जेके पेपर, सेटी साहब की पसंद पोजिशनल बेसिस पर। पोजिशनल बेसिस पर 10 की कमाई का आइडिया भी लेते हैं विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी बताएं आपको क्या पसंद है। दीपांशु, मेरी ओर से जो पिक है वो है डीसीएम श्रीराम। डीसीएम श्रीराम एक एग्री फोकस कंपनी है और अगर आप इनका प्रोडक्ट मिक्स देखोगे तो एग्री रूरल बेस्ड और यू नो विनाइल बिजनेसेस में काफी पुरानी कंपनी है और जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1400 करोड़ का मार्केट कैप है लेकिन अभी भी 1x मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पे चल रही है, मतलब टर्नओवर बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 19% के आरओआई, 14% का ऑपरेटिंग मार्जिन और जिस हिसाब से टेक्निकली जो मेरे रडार पे आया है स्टॉक में ब्रेकआउट आना शुरू हुआ है वो 470 के आसपास था। अब पिछले 15-20 दिनों से स्टॉक में मूवमेंट नहीं है और एक यू नो पुल बैक दिया है। मुझे लगता है डीसीएम श्रीराम करंटली अराउंड 537 चल रहा है, 500 तक आया तो भी अक्यूमुलेट करे, धीरे धीरे करके करे। यहाँ पे जिस हिसाब से मूवमेंट है, पैटर्न है और फंडामेंटल्स है, मुझे लगता है ये स्टॉक उसका जो ऑल टाइम हाई था 650 का वो निकाल के 800 की ओर जाएगा। तो 10 की कमाई में स्टॉक है मेरी ओर से वो है डीसीएम श्रीराम, यहाँ पे खरीदारी करे, 500 तक आए तब अक्यूमुलेट करे, 470 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखे, 650 और 800 के टारगेट के लिए करे। ये जो मेरा स्टाइल है 10 की कमाई का उसमें हमने की है इंडस्ट्री में सिमिलर पैटर्न फाइंड किया था 320 पे और वहां से डबल हो गया, सो काफी एग्रेसिव टारगेट रहते हैं 10 की कमाई में। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज टाइमिंग ऑन द टेक्निकल फैक्टर्स कैन गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट, तो डीसीएम श्रीराम पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय की सलाह होगी। ओके, तो डीसीएम श्रीराम मिड कैप्स का है माहौल और नजर रखिए इस काउंटर पर, ये पसंद आ रहा है विश्वेश जी को। बड़े टारगेट्स 800 तक के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक ट्रेड का कॉल आ रही है सुमित जी की तरफ से, बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, सेल साइड का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, 1310 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन है। स्टॉक में वैसे भी लास्ट 15 दिनों अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो ओवरऑल पिछले 15 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में हम यहां से दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए। 1341 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और यहां पे बेचना है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 1300 का लेवल तोड़ेगा तो 1270 से लेकर 1250 तक के लेवल श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में यहां पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1341 का स्टॉप लॉस, 1270 से 1250 के टारगेट्स होंगे। ऑप्शंस के जरिए 1300 वाला पुट भी यहां पे लेके काम किया जा सकता है जो कि करीब करीब अभी 45 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 29 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 60 से 70 के टारगेट बनेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का 1300 का पुट खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर में बेच सकते हैं 1270 से 1250 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट में शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए, शॉर्ट पोजीशन तो नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कुछ करना है तो हमारे दो मेहमान तैयार है और वो भी फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से दो बेहतरीन पिक्स आपके लिए आ रही हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की शॉर्ट टर्म पिक्स। पहले बताइए राजेश जी, आपकी शॉर्ट टर्म पिक आज की। सो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसमें देखें तो पिछले एक महीने डेढ़ महीने से स्टॉक में एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था और फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में वापस देखने को मिला है और जिस तरीके से इसका लॉन्ग टर्म सेटअप है ये स्टॉक तो पॉजिटिव टेरिटरी में, बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी यहां से एक अच्छा मूव इंटेलेक्ट में देखने को मिलेगा। अभी करीब 512 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो हम सजेस्ट करेंगे 512 से 500 की रेंज में इसको बाय करें, 490 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 560-575 ये होंगे शॉर्ट टर्म के टारगेट इंटेलेक्ट डिजाइन। ओके, तो इंटेलेक्ट डिजाइन यहां पर खरीदारी करने की राय 560-575 के टारगेट के लिए यहां करें आप खरीदारी, ये राय है इस वक्त राजेश जी की तरफ से शॉर्ट टर्म पिक। आइए एक और शॉर्ट टर्म पिक ले ले। जी सर, सीरीज आपकी वैसे सीरीज आपकी तो लॉन्ग टर्म मीडियम वाली भी शॉर्ट टर्म होती है, एक दो दिन में आ ही जाता है। शॉर्ट टर्म पिक सीरीज आप कौन सा स्टॉक है?
बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा शॉर्ट टर्म पिक है वो पिछले दो तीन दिनों से स्टॉक फोकस में है और ये वीक पूरा फोकस में रहना चाहिए। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प, जो कि अभी 190 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, ये कैसीनो वाली एक लीडिंग कंपनी है और ये इकलौती कंपनी है भारत में जिनके कैसीनो गोवा में, सिक्किम में और दमन वाला साइड खुला नहीं है, तो इन तीनों जगह पे है। बाकी जैसे जैसे हम लॉकडाउन से निकले हैं, नॉर्मलसी की ओर बढ़े हैं, तो आजकल सबका प्रिफर्ड जो डेस्टिनेशन है फॉर हॉलीडेज गोवा हो गया है, बिकॉज फॉरेन डेस्टिनेशन तो जा नहीं सकते। विद इन इंडिया गोवा का बहुत ही ज्यादा टूरिज्म का कल्चर हो रहा, तो इस लिहाज से डेल्टा कॉर्प में एक दमदार तेजी निचले लेवल से हो गई ऑलरेडी, बट यहां से भी और अपसाइड बहुत ही शॉर्ट टर्म में लगता है, जिसका कारण हमको मालूम है कल या परसों नजारा टेक का जो आईपीओ खुलने वाला, जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जिसमें बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश जुनूनवाला जी का भी निवेश है और डेल्टा कॉर्प में भी उनका निवेश है, और इनके भी गेमिंग साइट्स है जैसे अड्डा 52 रमी करके भी इनका एक साइट है, फिर जो अभी आईपीएल शुरू होने वाला है तो इनका एक लीग अड्डा करके भी एक साइट है। तो ऑनलाइन गेमिंग में एक दिग्गज कंपनी है और जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के वैल्यूएशन दुनिया भर में हो रहे हैं, अभी हाल ही में आपको भी पता होगा ये यूएस में जो आजकल एक नया मॉडल चल रहा है स्पैक, जो कंपनियां होती है जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी जिनको ब्लैंक चेक कंपनीज भी कहा जाता है, वहां पे एक गेमिंग कंपनी ने मर्ज करके लिस्टिंग हुई और एक बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे वो लिस्टिंग हुई है। तो इस तरह का माहौल है गेमिंग कंपनीज के लिए, तो मुझे लगता है डेल्टा कॉर्प को भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में नजारा टेक के जो आईपीओ को रिस्पॉन्स अच्छा मिलना है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और वैसे भी हाई मार्जिन बिजनेस है, 34-35% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, आने वाले मतलब इस वीकेंड तक ही मुझे लगता है 205 तक के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखना है इसका 185 का। ओके, 185 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, और इनकी तो है ही है हल्ला प्ले, एक और है ना हल्ला प्ले भी, जो वो भी आने वाली है, और नजारा इनका सेठी साहब आपको पता है नजारा डेल्टा का क्या कोरिलेशन है? एक पार्टनरशिप है किसी भाई, तो एक तो ये कि इनके पार्टनर कॉमन है, मतलब एक तरह से इन्वेस्टर राकेश जुनूनवाला जी है, हाँ दोनों में कॉमन है, लेकिन एक जो ये हल्ला प्ले में दोनों की इन्वेस्टमेंट, नजारा की भी इन्वेस्टमेंट है और डेल्टा की भी है, मतलब दोनों जॉइंटली ऑन करते हैं हल्ला प्ले करके एक जो इनका पोर्टल है जहाँ पे शायद आईपीएल वाईपीएल वाले गेम फैंटेसी लीग फैंटेसी लीग टाइप वाला मामला है, क्रिकेट मैचेस और बाकी सब चीजों पे। तो ये डेल्टा कॉर्प नजारा की लिस्टिंग तक देखिए, नजारा में भी जबरदस्त रेस्पॉन्स आ रहा है, तो आज जो वो आईपीओ की बाहर चल रही सब लोग कह रहे थे, तो अब जो नेक्स्ट बड़ा आईपीओ जिसमें इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रहेगा लोगों का वो नजारा में लक्ष्मी आज हमने करी दिया जी, मुझे लगता है कि अब नजारे की तैयारी लोगों को करनी चाहिए, वहां पे बड़ा एक्शन होगा, तो डेल्टा कॉर्प है ही है, और बाकी जो आपने रीजन बताया कि लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं इस वजह से गोवा छुट्टी मनाया जा रहा है, तो विशेष जी आप इसीलिए गए थे कि बाहर नहीं जा पा रहे थे या मतलब बाई चॉइस गए आप? विशेष जी लौट आओ, गोवा से लौट आओ, तो अगर कुछ करना हो तो क्या करें, गाड़ी ले मतलब रियली गोवा जाने के बाद फील, मैं तो कहता हूँ मेरी ओर से सर प्रस्ताव बंसल जी को, मैं हमें कोई भी अच्छी चीज का प्रस्ताव आता है तो आपके ना आवाज ही डिस्कनेक्ट हो जाती है, अच्छा खासा बढ़िया प्रस्ताव आ रहा था, पता नहीं शायद कुछ गोवा का ऑफर दे रहे हैं आप, टू नाइट थ्री डेज क्या, थ्री नाइट टू डेज ऐसा कुछ वाला, मुझे लगता है सर बीच पे से एक बार शो करना चाहिए हमें, मस्ती की पाठशाला का लाइव फ्रॉम द गोवा बीच करेंगे, दैट वुड बी सर अमेजिंग आइडिया, अच्छा है ये आइडिया, ये आइडिया पसंद आया बिल्कुल, ये आइडिया बहुत पसंद आया, चलो ईश्वर ने चाहा तो आपकी हमारी ये मनोकामना भी कभी न कभी पूर्ण जरूर होगी, और उम्मीद रखते हैं कि कभी न कभी किसी न किसी दिन वागले साहब गोवा में हमें होस्ट करेंगे, वागले साहब का होम पिच है गोवा, हाँ जी काजी ओके, तो चलिए मैं शायद सुन नहीं पाया कुछ उनका कमेंट था, लेकिन आइए चलिए ये है आपके लिए डेल्टा कॉर्प शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर सेठ साहब की तरफ से राय, और नजारा टेक का जो आईपीओ आ रहा है उसके चलते एक्शन भरपूर आपको इन सभी स्टॉक्स में दिख रहा है, छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। We'll be right back.
स्वागत है ब्रेक के बाद। दस की कमाई का माहौल चल रहा है और मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाली है, जानेंगे अनुपम रसायन क्या मैनेजमेंट के प्लान है आगे जाके। आज आईपीओ का दूसरा दिन है, अच्छे सब्सक्रिप्शन वहां पर मिल रहे हैं, एमटीआईआर की जबरदस्त लिस्टिंग हुई है और 1100 के ऊपर काउंटर होल्ड कर रहा है ऑलमोस्ट 94% गेन्स के साथ। इस बीच 14,900 के करीब निफ्टी भी आने की कोशिश करते हुए, पर आइए कुछ कॉल्स तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, चलते हैं जय ठक्कर के पास जय के जैकपॉट के लिए। बताया जाए देखिए दीपांशु, यू नो आईटी स्टॉक्स निफ्टी को बाउंस कराने में काफी एक अच्छा योगदान दे रहे हैं, इनफैक्ट दे आर डूइंग क्वाइट गुड वो ट्रेंड में। तो मेरा एक व्यू बहुत क्लियर है कि बैंक्स में इतना अच्छा बाउंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत भी आया तो यू शुड यूटिलाइज दैट एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बट आईटी में अप ट्रेंड है जो निफ्टी को हेल्प कर रहा है बाउंस बैक के लिए और वो कंटिन्यू हो सकता है। टेक महिंद्रा का 1020 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह है, 31.5 पे ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चले, आपका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 23 का। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर बनेगा दीप वो है 43, सेकंड टारगेट बनेगा 48 का, 43 एंड 48 ये दो टारगेट्स के लिए टेकम का 1020 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। एक अच्छा एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है इस चार्ट्स पर। तो आईटी स्टॉक्स कम बैक करते हुए देख रहे हैं और बाजार को सहारा भी दे रहे हैं, निफ्टी की भी थोड़ी रिकवरी हुई है उसमें आईटी स्टॉक्स का योगदान है, टेक महिंद्रा पर रखिए नजर। आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दिवांशु हमारा भी स्टॉक टेक महिंद्रा, बट फर्क यह है कि हमारी डायरेक्ट फ्यूचर खरीदने की राय है, टेक महिंद्रा के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, रुझान क्लियरली पॉजिटिव है, तो टेक महिंद्रा है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। ओवर टू कुणाल जी। देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना है, जैसा जय भी कह रहे थे दीपांशु, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है 1012 पर, 1012 पर फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रख करके बाय करें, 1050 पहला टारगेट और 1070 दूसरा टारगेट। वापस से हम आईटी स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं, टेक महिंद्रा के जरिए पार्टिसिपेट करें, 1012 पर स्टॉप लॉस रखें। ओके 1012 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय, क्या बात है, टेक महिंद्रा सबको पसंद आता हुआ जी सर, बढ़िया बात है। तो कुणाल जी और राकेश जी की भी पसंद टेक महिंद्रा, जय की भी पसंद टेक महिंद्रा। आइए वक्त है न्यूज फॉर यूज सेगमेंट का और हमारे साथ आज कंपनी जो हो रही है कार्यक्रम में शामिल वो है अनुपम रसायन जिसका आईपीओ खुला है, आज है दूसरा दिन। आइए बात करते हैं इस कंपनी से न्यूज फॉर यूज में। पहले दिन कंपनी का इश्यू पूरा भर चुका है, प्राइस बैंड 553 से 555 रुपए है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टमेंट्स में अगर एक सिंगल लॉट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 27 शेयरों की लॉट साइज में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये और इश्यू का आज दूसरा दिन है, कल इश्यू बंद होगा। पहले मैं कंपनी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, कस्टम सिंथेसिस स्पेशलिटी केमिकल बनाने की यह कंपनी है और इन्होंने शुरुआत की 1984 में और गुजरात में इनके 6 प्लांट हैं, यूरोप जापान अमेरिका ये वो तमाम देश है जहां पर कंपनी दमदार एक्सपोर्ट करती है और ये समझ लीजिए कि 60% के आसपास एक्सपोर्ट है और 40% भारत से आए है इस कंपनी के। और अब इस कंपनी के 40 से ज्यादा प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में है और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सिंजेंटा हो गया, सुमितोमो, यूपीएल, इस तरह की कंपनियों के साथ इनके करार है। तो यह है अनुपम रसायन जिसका आईपीओ खुला हुआ है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का और आज हमारे साथ एक नहीं कंपनी के दो टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तो पहले तो है डॉक्टर किरण पटेल साहब जो आमतौर पर अमेरिका में रहते हैं लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में है, जो कंपनी के प्रमोटर भी हैं और चेयरमैन भी हैं, और साथ ही अफजल मलकानी साहब हैं जो कंपनी के सीएफओ हैं। आप दोनों ही आज हमारे साथ जुड़ने, पहले मैं उनसे बातचीत करूं, उनसे पहले उनका परिचय दूं। डॉक्टर किरण पटेल साहब जो कि प्रमोटर हैं, चेयरमैन हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की दो दो डिग्री ली है, जर्सी सिटी मेडिकल सेंटर में भी उन्होंने काम किया, अमेरिका में उन्होंने कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में काफी काम किया, वहां फेलोशिप ली है उन्होंने, साथ ही फ्लोरिडा में मतलब ढेर सारी अंतर्राष्ट्रीय जगह है जहां पर उन्होंने काम किया हुआ है। और अफजल मलकानी साहब जो है वो सीए हैं
और सीएफओ हैं कंपनी के, 2005 से कंपनी के साथ शुरुआत है और 2014 से कंपनी के सीएफओ हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो पटेल साहब बधाई कि आपका आईपीओ पहले दिन भर चुका है, अब अगले दो दिन आपको यही देखना है कि कितना और भरता है, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, पहले उससे शुरुआत करें सर। पहले दिन के रेस्पॉन्स और अब तक का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं सर? नहीं, ये जो रिजल्ट है, माय अपोलॉजीज, हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए। कोई बात नहीं सर, आप बी कंफर्टेबल एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो, नो वरी सर। यस यस, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू अपोलॉजाइज टू योर ऑडियंस अहेड ऑफ टाइम, बट फर्स्ट थैंक यू जी बिजनेस एंड अनिल फॉर अलाउइंग मी टू टॉक टू योर ऑडियंस थ्रू यू, and I give you credit for doing that. Of course, the initial response is very encouraging and we are very, very pleased with the outcome. I am told that not many people, many companies reach this type of results on day one. But that is irrelevant because a short-term picture is never a something that's going to talk about the future. But the beginning is good and we appreciate everybody's confidence in Anupam and its management team. Perfect. राइट सर, मलका जी साहब आपसे सवाल कुछ फाइनेंशियल्स पर लेना चाहता हूं। पहला ये कि कंपनी में जो रेवेन्यू की ग्रोथ है बड़ी स्ट्रांग है, बहुत मजबूत दिख रही है, 45% 47% रेवेन्यू ग्रोथ इज रियली इंप्रेसिव, लेकिन साथ में प्रॉफिट मार्जिन्स एबिटा मार्जिन थोड़े कम होते दिख रहे हैं, तो क्या वजह है कि आपके मार्जिन कम हो रहे हैं? अब यहां पर दो सवाल है, एक क्या आप रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे, दूसरा क्या मार्जिन और कम होंगे, मेंटेन होंगे या बढ़ेंगे? या गुड मॉर्निंग सिंघवी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट आपका जो सवाल है, दिस रेवेन्यू ग्रोथ जिस 9 मंथ 21 विच वॉज अबाउट 45%, यस दिस इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल बिकॉज कंपनी ने पिछले चार साल में 800 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, आउट ऑफ विच 400 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो मार्च 2020 से कमर्शियलाइज हुए हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर इन विच वी आर गोइंग टू मटीरियलाइज इट 50% कैपेसिटी फॉर दी बोथ दिस यूनिट, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6, एंड दिस ग्रोथ कम्स, दिस 45% ग्रोथ, आउट ऑफ दिस 45% 80% ग्रोथ कम्स फ्रॉम अवर कस्टमर्स लाइक सिंजेंटा, Sumitomo, Adama and UPL, and next year onwards we hope that we will be able to utilize it optimum capacity utilization at about 70 to 75%, and from the next to next year it may be 90%. So yes, this growth is going to be sustainable, we can say. Okay, growth is sustainable. Malkan sahab, lekin ek cheez aur hai, kyunki aapne kaha bhi ki kuch expansion plans hain, wo expansion plan ka impact bhi aayega, lekin company ki debt लगातार बढ़ रही है, FY18 में 435 करोड़ डेट थी, अभी 840 करोड़ रुपए के आसपास है, क्या वजह है कि आपकी कंपनी का डेट बढ़ रहा है और आगे इसको कम करने को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके? यस सिंघवी जी, इफ यू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू, सबसे पहले डेट क्यों बढ़ा उसके ऊपर करते हैं कि वी हैव इनका फ्रंट एंडेड कैपेक्स, जनरली वी डू फ्रंट एंडेड कैपेक्स, 800 करोड़ का एक साथ जो कैपेक्स किया, दिस इज वॉज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी फ्रॉम डॉक्टर पटेल एज वेल एज फ्रॉम द डेट। तो क्या होता है कि पर्टिकुलरली इन स्पेशलिटी केमिकल कंपनी फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू प्लांट, इट इज टेकिंग अबाउट 24 मंथ, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द 2.5 साल के बाद यू आर स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम 13th month ऑनवर्ड्स। सो दैट्स द रीजन फॉर, ड्यू टू दिस कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर इंसिस्टेंस, we started the project without with the debt rather than on the entire on the equity. So that's the reason that is on higher side, but we have a strong support from Dr. Patel, and also you can see that Dr. Patel has also given a $35 million unsecured loan whenever required. एंड अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू के ऊपर, तो टोटल 842 करोड़ की जो डेट है उसमें से 563 करोड़ डेट वी आर गोइंग टू रीपे फ्रॉम दिस प्रोसीड्स ऑफ द आईपीओ। सो एंटायर लॉन्ग टर्म एंटायर बैंक डेट्स, एक्सटर्नल डेट्स इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन एज वेल एज वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज विल बी जीरो,
एंड आफ्टर दैट खाली डॉक्टर पटेल का जो लोन है 225 करोड़ रुपए का एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3% वो ही खाली कंपनी के अंदर रहेगा. जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो अभी आज हाल में 55 करोड़ है वो सीधा हो जाएगा 10 करोड़. सो वी आर गोइंग टू एड 45 करोड़ रुपीज इन टू द बॉटम लाइन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स. तो आप मलकन साहब ये कह रहे हैं कि बड़ी सेविंग आपके इंटरेस्ट पर होने वाली आईपीओ के बाद, करेक्ट? यस सिंगुलिया, इफ यू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू, तो देन 760 करोड़ में से 560 करोड़ रुपए वी आर गोइंग टू रिपे दिस एंटायर बैंक लोन. उसके वजह से पूरा 50 करोड़ का बेनिफिट होगा. इवन आफ्टर कंसिडरिंग द टैक्स शील्ड इट वुड बी 35 करोड़ रुपीज. एंड द सेकंड इज द 200 करोड़ रुपीज फॉर द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. आफ्टर डिटेक्टिंग द आईपीओ एक्सपेंस वी कैन यूटिलाइज फॉर द कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स और मे बी सम पोटेंशियल एक्विजिशंस. तो वो भी एक उस पर बॉटम लाइन पे इंपैक्ट करेगा, पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा. दैट वी हैव नॉट फैक्टर्ड या डॉक्टर पटेल, एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ. जनरली आपके जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ सप्लाई करने के लिए आपके 2 से 5 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल आप प्रोक्यूर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपके लॉन्ग टर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है नहीं. सॉरी. सो इसका मतलब ये कि कभी रॉ मटेरियल की प्राइसेस फ्लक्चुएशन हो, देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, इट कुड हैम्पर द मार्जिन. व्हाट्स द स्ट्रेटजी बिहाइंड दैट? हाउ डू यू मैनेज बिटवीन योर कस्टमर्स एंड योर सप्लायर्स? So we have a unique way of hedging against the pricing. Okay. First of all, we always carry a 6-month supply with us with a potential of 3 months, so that majority of the risk is already taken care of. As you can see, during the COVID era, we still continued to perform dramatically, and that is because of this strategy. On top of that, our pricing relationship with our customers is that if there is a fluctuation of raw material, then that will be definitely passed on to the next year. So I think that we have a very good strategy, and part of the reason the company needed some of the capital in the past was for carrying such large inventories. Mm-hmm. Perfect. And we were fixing pricing for a longer time. As we mature, as we grow, we will be tweaking this process so that the benefit to our shareholders will be tremendous. So we are poised to really face the challenges ahead. We are also focused on being less dependent on external non-Indian sources of supplies. Okay. The uniqueness of Anupam is we are innovators, not copycatters. So we will be doing backward integration in many places in a manner that we will be practically as possible less dependent on external factors. Mm-hmm. So that is the long-term game plan. With our Prime Minister Modi's Made in India call, we are very much focused in ensuring that we become self-dependent and not dependent on third parties. Okay. Now, this is not completely possible, but in many places we are already working to show this fact, which time will tell. Perfect. Okay. डॉक्टर पटेल, एक सवाल हो रहा है जो मैं दर्शकों को बता दूं कि जब मैं कंपनी का डीआरएचपी पढ़ रहा था तो एक उसमें ये मेंशन है कि अक्टूबर 2020 यानी कि अब से 5 महीने पहले प्रमोटर्स को 250 रुपए के दाम पर शेयर अलॉट किए गए हैं, अभी 5 महीने बाद 555 रुपए पर इश्यू आ रहा है. माय क्वेश्चन टू यू सर, व्हाट हैज चेंज इन 5 मंथ्स दैट प्रमोटर्स शुड चार्ज सो मच प्रीमियम फॉर आईपीओ टू रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम 250 टू 555? इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट? व्हाट इज दैट? नहीं अनिल, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आर आस्किंग एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू सर. सो टू माय ऑडियंस आई विल से दिस, then would you have invested 800 crores in a company that had revenue of 240 crores in the beginning? So this has been a long-term strategy. Mm-hmm. And
unfortunately for me, the so in fact, what I did was keep on supplying capital as required, but this was done in the 4-year span. So when you look at my investment and the impact going from 240 crores to almost 1,000 crores, from 250 employees to 1,800 employees, the impact I have created in India and to the company is, I believe, unbelievable. And it is with that reason I feel that when you can use a data in any form you want. So how you convey the message is important. Mm-hmm. The fact remains of whatever numbers you say, but that does not tell the story of what went behind it. And it's not a 5-month difference. This is a 4-year strategic plan, which in fact I accelerated. Teleplanta going IPO in 23-24, but I was the one to force it to come early, and I invested additional capital as required. Okay. So apna listeners should understand that the fallacy of comparing and telling it's a 5-month jump is very unfair. But the true story is, this is a long-term investment and a belief in the company and its management. And I bet on it, and I think we will be able to show something in the next few years to come. Perfect. Dr. Patel, that's what I was wondering. Like, you are a 1984 company. How you took so much time to come to public and get it listed, though, I mean, your plans were in 2024, still you have preponed it. I let you go, one more question. Please go ahead, sir. Yeah. The intellectual capital, India has plenty. Right. Okay. But sometimes it lacks the finances to take it to the next level. And I was the catalyst, because brains were there. Right. And had they had money, they could have succeeded much earlier. Hmm. Fortunately for me and for them, we met each other and this happened. So I just want you to understand that India has significant brain power. What it lacks are people like me. This is a one-man money. Understand this. This is not a somebody else's money. To risk 800 crores in any company should be giving a message to all my viewers there that there is a reason for somebody doing this. Mm-hmm. And the reason is, we have an excellent management team. Okay. And our future is going to fly high. Okay. So, Dr. Patel, last question. I just want to judge the promoters when I interview them, and especially when IPOs are there. I just want to understand from you, what's your vision about the company? 5 years, 10 years down the line, where do you see Anupam Rasayan? So, I'll tell you one small story. One day when I was maybe barely 8 or 10 years old, and I was going to have an exam, my dad was asking me, how are you going to perform? I said, first or second. Okay. And he said, if you are second, don't come home. Okay. So my philosophy has always been, right, that I want to be the top dog. Lovely. So appreciate, sir. Literally in the next 4 to 5 years, I am betting early that we will be amongst the top 5 in the country and in an international market, a name to be reckoned with. Okay. So the vision and dream is very clear. And I think you've been so nice to me today. I want you to know that March 10 is my birthday. Oh. And I hope you put it on your calendar. And on March 10, 2022, bring me to your show.
Hello, to President. Tell the general public that the horse they bet on what he did for them. Absolutely, sir. My best wishes and belated birthday wishes to you. And my diary is booked. And please block your diary. Next year, 10th March, we'll have the same chat again. And I'm sure your investors, your shareholders, stakeholders, all will be really happy. My best wishes to you and Malkan Sahab, aapko bhi. Best wishes for your IPO. I hope you have tremendous success and a great journey in stock market going ahead. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you very much. Thank you for having us. तो ये थे अनुपम प्रसाईन के टॉप मैनेजमेंट अपने आईपीओ के बारे में बातचीत करते हुए. कंपनी का आईपीओ खुला है, आज है दूसरा दिन, कल होगा आखिरी दिन आपके लिए पैसा लगाने का. आइए बाजार कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और इस वक्त 14,875 के आसपास निफ्टी है. 160 अंकों का नुकसान, 700 अंक नीचे बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की कमजोरी कहीं ज्यादा, 2% से ज्यादा वहां रिकवरी के कोई खास संकेत है नहीं. विदा लेने का वक्त है. कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय, सुमित जी, राजेश जी, विश्वेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए. सुबह के शो में, दोपहर के शो में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक आप सबसे विदा लेने का वक्त है. जाने से पहले सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं. देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन. जय हिंद.